नमस्कार, अर्बन एजेंडा में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अपने हमारे शहरों में हवा की, वो हवा जो हमारे ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आज वो कितनी जहरीली हो गई है। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि पिछले कल शुक्रवार को पूरे दुनिया के अंदर, आपको याद होगा हमारे ज़माने में स्कूल को बंक किया जाता था फिल्म देखने के लिए, लेकिन पिछले कल 14 लाख बच्चों ने अपना स्कूल बंक किया, स्कूल में हड़ताल की पूरे दुनिया में इस बात को लेकर कि ये जो भविष्य है हमारे पृथ्वी का ये सही नहीं है। और उसका नारा दिया गया फ्राइडे फॉर द फ्यूचर, और जिसका कहा गया एक्सटिंक्शन रिबेलियन, मतलब ये एक तरह की रिबेलियन है। हम जानते हैं डेविड हावे साहब ने किताब लिखी है रिबेल सिटीज़, लेकिन ये बच्चों की रिबेलियन सामने आ रही है। और महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये है कि ये जो पूरा हमारी पृथ्वी है, ये हम इसका भविष्य क्या होगा। और इसी बारे में जो ग्रेटा थनबर्ग करके जो एक स्टूडेंट है सिर्फ 16 साल की, उन्होंने पूरे दुनिया में इसका आह्वान किया, 2083 जगहों पर लोग इसमें शामिल हुए, स्टूडेंट्स शामिल हुए, उनके पेरेंट्स शामिल हुए, और करीब 125 देशों में इसकी कार्रवाई की गई। अपने आप में ये सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट रहा, क्लाइमेट चेंज, उसका इम्पैक्ट, हमारी दूषित होती हुई जो हवा, उस बारे में आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। देश में वायु प्रदूषण के चलते हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। जब जब नए आंकड़े आते हैं, तब तब भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण की सच्चाई का पता चलता है। वायु प्रदूषण के चलते हर साल हजारों लोग जान गंवा देते हैं। पिछले साल की वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट पर नजर डालें। गुड़गांव में 2017 में वायु प्रदूषण का लेवल 145.6 था, जबकि 2018 में इसे 135.8 दर्ज किया गया। इसी तरह गाजियाबाद में 2017 में 144.6 था, जबकि 2018 में 135.2 दर्ज किया गया। फरीदाबाद में 2017 के मुकाबले हालात और बिगड़ गए। 2017 में 123 था, जबकि 2018 में इसे 129.1 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर के एक और शहर भिवाड़ी का 2017 का आंकड़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन 2018 में इसका लेवल 125.4 है। नोएडा में हालात थोड़े सुधरे, लेकिन अब भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही है। 2017 में इसे 134 दर्ज किया गया, जबकि 2018 में ये 123.6 रहा। आंकड़ों से जाहिर है कि वायु प्रदूषण ने देश की हवा को खराब कर दिया है। दुनिया के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के हैं, जबकि 5 चीन के और 2 पाकिस्तान के शहर हैं। केवल 1 शहर बांग्लादेश का है। देश की राजधानियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बदकिस्मती से दिल्ली को बदनुमा लिस्ट में पहला स्थान मिला है, ढाका दूसरे और काबुल तीसरे स्थान पर है। और पढ़ाई का, इकोनॉमिक्स पढ़ने का या मैथमेटिक्स पढ़ने का या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे और आपको सांस तो लेनी है, आपको खाना तो खाना है, और वही अगर आप स्वच्छ सांस लेंगे और स्वच्छ खाना खाएंगे तो सबका जीवन बेहतर होगा। नदियों को माँ की संज्ञा दी है, इतना मतलब उनके साथ एक इमोशनल टच होता है, लेकिन आज मतलब आदमी क्या है कि वो अपने स्वार्थ के लिए उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो पॉल्यूट करता जा रहा है चीज़ों को। इन पूरे आंकड़ों में एक बात बेहद खटकती है, वायु प्रदूषण के मामले में जितने भी शहरों की हालत खराब है वो सब एशिया से हैं और विकसित होने की कतार में लगे हैं। लोग बोलेंगे तब पॉलिटिशियन सुनेंगे, और जब पॉलिटिशियन सुनेंगे तभी तो एक चेंज आएगा सब में, और तभी ग्लोबल वार्मिंग हम रोक सकते हैं। आम तौर पर लोग वायु प्रदूषण पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये रोग कितना खतरनाक है, जो लोग इसे समझते हैं वो अभी से जागरूक हो रहे हैं। सिर्फ हम सरकार को हर वक्त गाली नहीं दे सकते, इसे एज अ इंडिविजुअल या तो फिर सरकार पे हम ये बोलें कि आप डंडा मारिए पब्लिक को, या तो हम खुद ही समझ जाएं। आज अगर प्लास्टिक बैन करने की जरूरत पड़ रही है इसलिए पड़ रही है क्योंकि पब्लिक खुद नहीं उठा रही है। दिल्ली एनसीआर का हाल तो और भी बुरा है, हवा लगभग जहरीली हो गई है, आए दिन लोग सांस संबंधी रोगों के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दिल्ली से कफील अहमद फारूकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस विषय पे हम लोग अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं, उनका बहुत स्वागत है, जिसमें सबसे पहले जयधर साहब हैं जो कि पर्यावरणविद हैं और माय राइट टू ब्रीथ के साथ जुड़े हुए हैं। जयधर जी, आपका बहुत स्वागत है। संदीप दहिया जी हैं जो क्लीन एयर क्लाइमेट चेंज कैंपेनर हैं और पर्पस जिनका संगठन का नाम है उसके साथ जुड़े हुए हैं।
और भवरीन कंधारी जी जो कि एनवायरमेंटलिस्ट है, आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। संदीप, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमने ये देखा कि फ्राइडे फॉर द फ्यूचर यानी कि शुक्रवार भविष्य के लिए, और आज शनिवार है, मतलब सैटरडे अर्बन एजेंडा, क्योंकि ये अक्सर इस बात में कन्फ्यूजन रहता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लेकर है, और जो हमने प्रोटेस्ट देखा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का दिल्ली में भी लगभग, दिल्ली के अलावा करीब 25 शहरों में हुआ हमारे देश में, ये पोल्यूशन को भी साथ में जोड़ रहा है। दुनिया में हालांकि पोल्यूशन इतना बड़ा सवाल नहीं है, एक टाइम में ग्रेट लंदन स्मॉग की हम बात करते थे, आज लंदन में उस तरह का पोल्यूशन नहीं है। ये कनेक्शन बिल्ड करना कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं और साथ में पोल्यूशन लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कल पार्टिसिपेट किए, जिन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल हुए, अपना स्कूल छोड़कर आए, मतलब बंक किया अपना स्कूल, वो लोग ये कह रहे थे कि ये जीने लायक हवा नहीं रह गई। आप इस कनेक्शन को कैसे बिल्ड करते हैं ताकि हमारे दर्शक इसको आसानी से समझ सकें? देखिए, क्लाइमेट चेंज एयर पोल्यूशन में बहुत डायरेक्ट ही लिंक है जी। जो सोर्सेज हैं, जो अगर आप सोर्सेज के बारे में देखेंगे, सोर्सेज बहुत क्लियर हैं जी। सोर्सेज हैं जो एनर्जी सोर्सेज है, फॉसिल फ्यूल जी, जो कोयला जलता है, उस कोयले से जो प्रदूषण फैलता है जी, वो हमारा वायु प्रदूषण भी फैलाता है और ग्रीन हाउस गैसेज भी प्रोड्यूस करता है। वैसे ही जो व्हीकल्स से आता है, आपका प्रिवेंट जो है, जो फॉसिल फ्यूल ऊपर बेस्ड है, डीजल, पेट्रोल, इस तरीके से के वाहन जो इस तरीके के फ्यूल को यूज करते हैं, उनसे वायु प्रदूषण फैलता है, वो सिटीज में, और देन इट लीड्स टू द लार्जर जो हमारा एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करता है। तो प्रॉब्लम वही है। सो प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जो क्लाइमेट चेंज के सवाल है, उसके जो कंट्रीब्यूटर है, ज़्यादातर वही हमारे पोल्यूशन के भी कंट्रीब्यूटर है। एग्जैक्टली। हम इसमें बाद में आते हैं। भवरीन, आपसे, क्योंकि आपने कल का देखा, कमाल का काम हुआ, 16 साल की एक बच्ची ने मतलब आंदोलन बिल्ड किया, लाखों लोग शामिल हुए हैं, आपको क्या दिखता है? क्योंकि क्या हम देखते हैं अपने बच्चों में हमारा भविष्य? क्योंकि हम जो भविष्य में उनको हाथ में दे रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है पृथ्वी की। आप इस पूरे मूवमेंट को कैसे देख रही हैं? बिल्कुल जी, हमने बच्चों के एक भविष्य तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जी। जो कि वो हमें ब्लेम भी कर रहे थे, अगर आप उनके पोस्टर्स वगैरह वहाँ देखते हैं, हम एडल्ट्स को एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको नहीं ज़रूरत है। अगर हमने या गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी होती तो आज उनको वहाँ बंक करके बाहर नहीं बैठा होना चाहिए। सारी दुनिया में यही बच्चे बोल रहे हैं। तो अब जो बच्चे कह रहे हैं, ये 12 साल है हमारे पास, सिर्फ 12 साल, जो कि आई थिंक आप 11 रह चुके हैं जब से। 12 साल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये साइंटिस्ट की रिसर्च है सारी, कि 12 साल तक अगर हमारी अगर आपने मतलब 1.5 एमिशंस नीचे नहीं लाए, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के बात करते हैं, आपका नीचे नहीं आएगा तो हम एक्सटिंक्शन की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद इसलिए उसका नाम भी एक्सटिंक्शन रिबेलियन। अरे वाह। एंड वो एक्सटिंक्शन ऐसा प्रोसेस है जो मतलब अभी एक टर्म है, लेकिन वो बहुत पेनफुल डेथ है, वो बहुत मिजरी से भरी एक एंड है जो हमारे बच्चे या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन देखेंगे। सो यही वक्त है हमारे पास, अगर हम कोई स्टेप्स ले सकते हैं तो यही टाइम है। वो तभी ये बोल रहे हैं एक्ट नाउ, मतलब इस मिनट, इस सेकेंड। जैसे हमारे यहाँ माहौल है वैसे नहीं कि ऑर्डर्स लगा दिए और रूल्स बना दिए और यू नो सारे ड्राफ्ट बना के या एक प्रोग्राम प्लान बना दिया, नेशनल क्लीन एयर प्लान, और पड़ा रह गया, ऐसे नहीं चलेगा। जयधर जी, ये तो क्लाइमेट चेंज की बात हुई, लेकिन इस एक्सटिंक्शन में तो एयर पोल्यूशन भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूटरी है, और हम देख रहे हैं कि दिल्ली की हवा तो अपने आप में, बहुत साइंटिस्ट सब बोल रहे हैं और डॉक्टर्स बोल रहे हैं, रेडियो पे आए दिन आप प्रोग्राम सुन रहे हो कि कुछ करना पड़ेगा अगर दिल्ली में रहना है। आप दिल्ली से सबको तो भगा नहीं सकते, आपकी मतलब 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, NCR मिलाकर तो और भी ज़्यादा है, तो ये तो बहुत देशों की आबादी के बराबर है। तो आपको क्या लगता है कि कितना गंभीर है ये चैलेंज, खासकर एयर पोल्यूशन का? देखिए, ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है और ये बहुत अपॉर्चून टाइम है, मतलब ये जो एक ग्लोबल स्ट्राइक हुआ है बच्चों का, ग्लोबल स्ट्राइक जो हुआ है, इंडिया का इससे जुड़ना, भवरीन का दिल्ली में बच्चों को सपोर्ट करना बिहाइंड द सीन्स, गुड़गांव ने सपोर्ट किया, हैदराबाद, बैंगलोर, कैलकाटा सब जुड़े इस स्ट्राइक में, बच्चे मतलब गुड़गांव में 600-700 बच्चों बाहर आए, दिल्ली में 400-500, उन्होंने अपने स्कूल को बंक करके किया, मतलब सबसे बेसिक बात है कि टीचर्स को शामिल ना करते, बंक करना। हम मजाक कर रहे थे, हम लोग बंक करते थे फिल्म देखने के लिए। ये एक्चुअल एक रिवोल्ट है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन ईयर है जी।
और इस इलेक्शन में 13 से 14 करोड़ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो इन हमारे लीडर्स को नेताओं को मैसेज जाना चाहिए कि यही वो बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और इनके जो विशेष हैं जो ये इनकी जो मांगे हैं वो क्लियरली हमारे नेताओं पे जानी चाहिए। इसलिए पूरा भारत ने इस ग्लोबल एक्सटिंक्शन रिबेलियन को सपोर्ट किया क्योंकि मेरे ख्याल से कोई और देश दुनिया में नहीं है जिसको इसकी इससे हमारे से ज्यादा जरूरत है। संदीप आई थिंक इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, अगर हम थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पर भी आएँ जो हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझ में आना चाहिए, वो ये है कि दिल्ली की बात करते हैं और जैसा हमने देखा भी कि सबसे पोल्यूटेड शहरों में हमारे शहर हैं, साउथ एशिया में तो कम से कम हम ही लीडर हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन हमने एक शॉट सुना किसी का कि सरकार का जिम्मेवारी नहीं, हमारी पर्सनल है लेकिन सरकार की मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी है। आप क्या देखते हैं कि और अभी नेशनल प्रोग्राम भी आ रहे हैं तो उसमें क्या कमी है और क्या मैक्रो लेवल पे किया जाना चाहिए ताकि कम से कम दिल्ली जैसे, और हमने देखा हुआ भी है, मतलब ग्रेट लंदन स्मॉग थी, आज आप लंदन जाओ तो उसकी हवा उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारी हवाएं हैं, तो क्या होना चाहिए अगर मैं आपसे 4-5 चीज़ें कहूँ कि ये होना चाहिए जिससे दिल्ली की हवा जो है वो मतलब अच्छी हो सके और हमें एयर प्योरीफायर ना लगाने पड़े घर पर, मतलब ये तो शर्मनाक बात है। बिल्कुल, मैं आपको ना केवल दिल्ली के लिए, चार जो चीज़ें आप लार्जर स्केल पर अगर नेशनल लेवल पे भी करेंगे तो आपको प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज को रोकने में सहायता मिलेगी। एक जो एनर्जी सेक्टर से जो प्रदूषण आता है, एनर्जी सेक्टर से थर्मल पावर प्लांट जो आज भी हमारे हम हाइड्रो पावर से भी आता है, सोलर से भी आता है, लेकिन ज्यादा हमारा थर्मल है, थर्मल मतलब वायु प्रदूषण को जो कंट्रीब्यूट करता है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो एनर्जी सेक्टर थर्मल पावर प्लांट्स। लेकिन संदीप एक आर्गुमेंट ये होता है कि थर्मल पावर ज्यादातर दिल्ली में एक है लेकिन ज्यादातर ये शहरों से बाहर होते हैं, तो फिर भी हम इसको शहर में कैसे आंकते हैं कि शहर में उसका पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन। देखिए वायु प्रदूषण जो है वो आपकी शहरों की लिमिट को नहीं जानता, वो बाउंड्रीज को नहीं जानता है और आप ना वो इतनी बड़ी वॉल क्रिएट कर सकते हैं कि इस शहर की वायु। मैं जानबूझ के पूछना जा रहा था ताकि ये गलत फहमी ना रहे कि शहर में नहीं है साहब, आप बाहर लगाओ तब भी आप बचोगे नहीं, तब भी आप बचोगे नहीं क्योंकि वायु प्रदूषण ट्रेवल करेगा, एक बात। दूसरा है जो आपके वाहनों से जो प्रदूषण आ रहा है, आप आज के समय में आपके पास टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप मैक्सिमम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कीजिए, क्लीन कीजिए उसे। तीसरा है आप लेकिन संदीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप जानते हो इतना आसान नहीं है अभी आपको कुछ तो चलिए हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पे जाना, लेकिन कितने कैपिटल की इसमें जरूरत है आप ये समझिए, क्योंकि हमारे बेसिक ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जिन्होंने पूरा डीजल पे इन्वेस्ट किया है, तो क्या उसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मदद होनी चाहिए या गवर्नमेंट की पोजीशनिंग होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? जी हम ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट की उसमें सब्सिडी या सपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली क्लीनर फ्यूल की तरफ, क्लीनर व्हीकल्स की तरफ मूव करने के लिए सपोर्ट होना चाहिए। व्हीकल दो बात, दूसरी बात, बट उसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, हम कब तक पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को फेवर करने के लिए अपनी सवा अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना खुद का हेल्थ को उसको कंप्रोमाइज करते हैं। तीसरी बात आप क्या बोलना? तीसरी बात बहुत ही सिंपल है, जो हमारे एक और विजिट और भी बोल रहे थे कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन, सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रही है आपका सोलर के लिए और इन सब चीजों के लिए, तो आपको है कि पब्लिक को भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अवेयरनेस हो पहले फर्स्ट लेवल पे कि पार्टिसिपेट करना है इस चीज में। आप नेशनल क्लीन एक्शन प्लान लेके आ जाते हैं जिसमें पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होता है, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ कि आज प्लान इस तरीके का प्लान बनना है इसमें आपको ये चाहिए। चौथी बात, चौथी है कि हम जो मीडिया हाउस हैं या और स्टेक होल्डर हैं सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे एनर्जी इंडस्ट्री हो, चाहे मीडिया हाउस हो, चाहे इंडिविजुअल हो, सबको एक साथ मिलकर काम करना। संदीप जी हम दोबारा आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर हम लोग जयधर जी से और भवरीन जी से आपसे बात करेंगे कि कैसे इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। चूंकार अजहमा हीलते दरगुजश्त, हलालस्त बुर्दल व शमशीर दस्त। जब दूसरे तमाम रास्ते कारगर ना हो सकें, कामयाब ना हो सकें, तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। ये कहना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। लेकिन आज हम लोकतंत्र हैं, हमारा वोट हमारी तलवार है, हमारा वोट हमारी बंदूक है, आप हमारी ताकत हैं और हम आपकी आवाज़ हैं, बेखौफ आवाज़, आज़ाद आवाज़।
विनोद दुआ लाइव सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिटीजन्स रिबेलियन तो नहीं लेकिन एक्सटिंक्शन रिबेलियन, ये पूरा ख़त्म होने की सवाल है और साथ में फ्राइडे फॉर द फ्यूचर, शुक्रवार जुम्मा हमारे भविष्य के लिए। इस पे अभी जिस तरह से संदीप बात कर रहे थे कि सरकार के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, चार पॉइंट्स उन्होंने कहे। भवरीन, कॉन्क्रीटली अगर हम कहें तो खासकर दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है, उस एयर पोल्यूशन में 60% से ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूटरी है, मतलब वो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा ऑटोमोबाइल का। आपको नहीं लगता है कि ये सबसे बड़ा सेक्टर है, दुनिया में भी आजमाया गया है, जिस पे कुछ करने की ज़रूरत है सरकारों द्वारा, चाहे ऑड इवन फार्मूला हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, क्या क्या आप कैसे देख रहे हैं? एब्सोल्युटली जी, ऑड इवन फार्मूला काइंड ऑफ थिंग आल्सो, दे बेबी स्टेप्स, मे बी दे डिडंट हैव इफेक्ट, एक बारी में तुम नहीं इसको एनालाइज कर सकते, पर हमें गाड़ियां कम करनी पड़ेंगी, बसेस, आपको अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए, आपको कंजेशन टैक्स लगना चाहिए, बिल्कुल कंजेशन टैक्स इन एवरी वे, बहुत इनफैक्ट बाकी कंट्री से ज्यादा लगना चाहिए। क्यों न्यूयॉर्क में हम डरते हैं गाड़ी लेकर जाने के लिए, वहां हम ट्रेन में जा रहे हैं ना, क्योंकि हम सारा दिन पार्क करके इतना यू नो हैवी टैक्सेस पे करने हैं और इनकन्वीनियंस है, कितनी दूर है पार्किंग। So less you know cars, more public, bigger public transport, less buildings, ज़्यादा पेड़, ज़्यादा forest, हमें वो चाहिए, because एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम you know सांस लेना चाहते हैं pollution, तो हम कैसे जो natural saviors हैं उसको कैसे काट रहे हैं? एक पेड़ काटने की भी permission नहीं होनी चाहिए इस time पे। पेड़ काटने की, जैसे अभी हिमाचल के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आया है कि आप कुछ भी नहीं काट पाएंगे, कोई भी पेड़ नहीं काट पाएंगे। नॉर्वे में देखिए, आई मीन दूसरे आप कंट्रीज, क्योंकि सब सीख रहे हैं, हम सब उस अच्छा भवरीन, क्योंकि आप एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल थे स्टूडेंट्स को, मतलब मोटिवेट कर, स्टूडेंट्स खुद भी आए, आपका क्या अनुभव है, मतलब आप कैसे, क्योंकि वो बहुत ही टेंडर है और मतलब बैगेज कुछ नहीं है उनके पास, मतलब उसका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, मतलब यू नो दे हैव नो एंगुलैरिटीज, मतलब कुछ भी, वेरी ऑर्गेनिक जी, ऑर्गेनिक है। उन्होंने छोटी-छोटी बातें, किसी छोटे बच्चे ने भी बोल दिया कि नीचे गन डालो तो उससे पोल्यूशन हो जाती है, तो या क्रैकर्स, हमने तो कभी क्रैकर नहीं चलाया, हमें कैसे देख रहे हैं कि अगर थोड़ा इसको और पुल इन किया जाएगा रिसोर्स को, कैसा भविष्य देख रहे हैं आप? ये कैंपेन बच्चे ही करेंगे, अब आगे लेके जाएंगे जी, और इसको बड़ा बनाएंगे, क्योंकि अब आप बाकी कंट्रीज में देखिए तो इस टाइम लाखों बच्चे सड़कों पे थे, हमारा कैंपेन अब शुरू हुआ है और अब बच्चे इसको आगे लेके जाएंगे। जयधर, आपने एक बात कही है जो बहुत पॉलिटिकल है, और इलेक्शन आ रहे हैं, और थोड़ा मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसके बारे में कहें कि इलेक्शंस में जनरली हम लोग बात करते हैं पावर्टी, ऑफकोर्स पावर्टी की करना, एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो गरीब पे पड़ता है, वल्नरेबिलिटी जो है, हम जब HVRA कराते हैं, हैजर्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, हर शहर के हम HVRA करवाते हैं ज़्यादातर, तो उसमें हम देखते हैं कि जो उसकी वल्नरेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, पोल्यूशन का, मध्यम जो मतलब मिडिल क्लास हो तो घर में एयर प्योरीफायर रखेगा, एयर कंडीशन गाड़ी में जाएगा, हाँ तो गरीब, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी है? बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, मतलब आपने इस बात को थोड़ा छेड़ा, उसको हमने डिफाइन नहीं किया। गवर्नमेंट का रोल अगर आप किसी भी देश का देखें, चाहे वो मेक्सिको है, चाहे वो लंदन है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो पेरिस है, ये सारी सिटीज में मतलब एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, चाइना जैसे बीजिंग है, गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का रोल है इंसेंटिवाइज गुड बिहेवियर एंड पीनलाइज बैड बिहेवियर, इस इन छह शब्दों में ये पूरी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। गुड बिहेवियर इंड्यूस करने की बात मैं तो आपको बताता हूँ, इसका एक बहुत छोटे से मैं एग्जांपल देता हूँ। डीजल एक सबसे गंदा फ्यूल है, एक डीजल की गाड़ी 9 पेट्रोल गाड़ियों का प्रदूषण करती है। हमने वोट बैंक के लिए डीजल को सब्सिडाइज किया, उस क्योंकि हम बिजली नहीं दे सकते थे लोगों को, लोग हर घर में, हर दफ्तर में, हर इंडस्ट्री में डीजल के जनरेटर लगे हुए हैं। वोट बैंक के लिए हमारी सरकार डीजल सारी
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड उन्होंने डीजल इंजन में इन्वेस्ट करवाया, ये गलत डायरेक्शन था। अब हमें पता है कि ये गलत डायरेक्शन था। हमें डीजल का प्राइस जैसे हर देश में होता है पेट्रोल के दाम से 5-10% ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं पड़ता है उसकी महंगाई पे, ये सब चीजों पे, फिर गरीब पे मार पड़ेगी। देखिए क्या सिर्फ डीजल से एक एक पहलू से फर्क पड़ सकता है? आपको खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मतलब इंसेंटिवाइजिंग गुड बिहेवियर कैन बी डन इन मेनी वेज। आप सब्जी भाजी खरीदने जाए, मार्केट में जाए, अगर आपको आपका जो थैली है, जो पन्नी है, पन्नी तो आउट ही कर देनी चाहिए, पर जो कागज की भी थैली है अगर उसका दाम आप 5 रुपए कर दें तो हर कोई अपनी खुद अपना कपड़े का बैग ले जाएगा। लेकिन जैदर ओवरऑल जो आपने पॉलिटिकल बात की, ओवरऑल ऑटोमोबाइल पे आपको नहीं लगता कि इसकी रिडक्शन बहुत जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक चीज पॉइंट करना चाहता हूँ, ये हमारी जो ऑयल और ऑटोमोबाइल लॉबी है ये इतनी स्ट्रॉन्ग है। आज आप देखिए हम किस व्यवस्था में हैं। हम भारत 6 फ्यूल तो दिल्ली में बेच रहे हैं, पर कोई 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 इंजन नहीं है April 1, 2020 तक। अभी भी हम भारत 4 फ्यूल के इंजन बेच रहे हैं। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर मैं आज गाड़ी खरीदूंगा उसका April 2020 में जब भारत 6 के इंजन बिक रहे होंगे जो मैंडेटेड है, उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? आई थिंक ये डिस्कशन आपने अच्छी लाई, इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। संदीप, ये जो बात कही जा रही है कि ये डिबेट पहले भी थी कि आप गाड़ियां जो है हाई स्टैंडर्ड इन द सेंस के जो लो इमिशन है, लेकिन गाड़ियां अगर ज़्यादा आएंगी तभी इमिशन, एन नंबर ऑफ इमिशन तो ज़्यादा बढ़ेंगी। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको मजबूत करना, अब जैसे मैं आपको जर्मनी बताता हूँ, लाइप्सी एक शहर ऐसा है, मैंने पहले भी ये शेयर किया था, जो अपना अर्बन ट्रांसपोर्ट 100% फ्री कर रहा है। अभी जर्मनी पूरा फ्री करने जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ जो ये किराए बढ़ना मेट्रो के, क्यों ना ये सब्सिडाइज होना चाहिए? आप किसी और जेब से पैसा निकालो। जी जी जी, पेरिस क्या करता है, जिस दिन प्रदूषण हद से बढ़ जाता है वो डीजल व्हीकल्स बैन करके सारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर देता है। हमारी हुकूमत भी सुन रही हो, ये पूरे सब इमरजेंसी रिस्पांस, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू नो पेनलाइजिंग बैड बिहेवियर, इंसेंटिवाइजिंग गुड बिहेवियर, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल जो पेरिस करता है। जिस दिन प्रदूषण बढ़ जाएगा, डीजल बैन, पब्लिक और व्हीकल आ रही है तो उस पे कंजेशन लग जाए। हां जी जी, जस्ट संदीप, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। जी जी संदीप, हम तो चाहेंगे कि सिटी इस तरीके से डिजाइन किया जाए जहां पे आप चल के जा सको, मैं जहां पे आना चाह रहा था, साइकिल से जा सको, समय इतना नहीं, और जहां से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सको। आई थिंक संदीप आपने ठीक पकड़ा, मैं आना चाह रहा था। आपको नहीं लगता है कि जो सिटी की ओवरऑल प्लानिंग भी है, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं है, अगर लास्ट मिनट आपसे फिर एक एक मिनट में सब, वो इतनी ज्यादा प्रो ऑटोमोबाइल और प्रो जैसा आपने कहा फ्यूल लॉबी है कि बड़े गजलर्स के लिए आप 4 लेन से 6 लेन 8 लेन तो कर रहे हो, लेकिन जो पेडेस्ट्रियन है उसकी जो स्पेस है वो स्क्वीज कर रहे हो, कैसे देखते हैं आप इसको? ये एग्जैक्टली जो डिजास्टर बोल सकते हैं, हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हमें अपनी सिटियों को लिवेबल बनाना है, वहां पे अपने बच्चों के लिए हेल्दी एजुकेशन, हेल्दी हेल्थ और फ्यूचर देखना है, तो हमें एग्जैक्टली इससे एकदम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना होगा। हमें करना है कि कम से कम व्हीकल्स रोड पे हो, कम और जितना ज्यादा हो सके नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट हो। भवरीन, आपसे अगर लास्ट वर्ड्स अगर हम आपसे पूछना चाहें। एब्सोल्युटली, सारी चीजें जो हमने बोली, अगर सिटी के लिए आप बोल रहे हैं तो हमें गाड़ियां कम, पब्लिक वेरी एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमें पेड़ नहीं काटने, फ्लाईओवर्स नहीं बनाने, हमें वॉकवेज बनाने, साइकिल पाथ्स बनाने, फ्लाईओवर बनाएंगे आप जैसा भी बनाए वो फिर लोग गिर जाते हैं उसमें, फिर क्या मतलब है? व्हाई शुड द पेडेस्ट्रियन क्लाइंब, जिनको पैदल वाला क्यों ऊपर चढ़े? और हम वो 15% को या 18% को कैटर कर रहे हैं जो कार्स वाले हैं, बाकी जो चलने वाले हैं दिल्ली में शायद करीब 18% के पास कार्स है, 82% के पास तो कारें हैं ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं रहे। आप जयधर जी, देखिए मैं वापस इस एक्सटेंशन रिबेलियन पे आऊंगा। मेरे को आज सुबह किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कि एक प्राकृति और कुदरत का तरीका है अपने लिए लड़ने का। ये बच्चे भी प्राकृति और कुदरत हैं। मैं हम सबसे पूछना चाहूंगा कि हम भी क्या प्राकृति और कुदरत हैं? अपने नेताओं से पूछना चाहूंगा क्या हम भी प्राकृति और कुदरत हैं? अगर हैं तो हमें लड़ना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। आप सभी का, जयधर जी आपका और संदीप जी और भवरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और एक शायद कमी हमारे में ये रहेगी कि हमें वो स्टूडेंट लाने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट शो में हम लोग उनको लाएंगे। और ये जो फ्राइडे फ्यूचर, फ्राइडे फॉर द फ्यूचर की जो बात कही गई है और जिसकी चिंगारी फूटी है 7 समुंदर पार से, स्टूडेंट्स ने अपनी क्लास को बंक करके ये कहा कि
क्लास एक दिन बंक करना ज़रूरी, लेकिन ये पृथ्वी बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है ये चिंगारी बहुत है पूरी आग को लगाने के लिए, और ऑफ कोर्स आग को बुझाने के लिए मैं कहूँ, जो आग लगी हुई है आज, एक बेहतर भविष्य के लिए। और ये भविष्य जो आने वाले समय में हम इस पृथ्वी को अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं, वो बच्चे इसको सेफली ले सकें और सबकी खुशहाली के, जैसा आपने कहा, उसके लिए हम इसको आगे इस्तेमाल कर सकें। और जैसा एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा कि नेचर इन इट सेल्फ नहीं, नेचर फॉर अस, लेकिन वो नेचर फॉर अस तब है जब वी आर फॉर द नेचर। थैंक यू सो मच।